नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छवि और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी का खास प्रोग्राम सुबह सवेरे, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश दुनिया की स्पीड न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम जारी। सोमवार को सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित कर देने के बाद राज्यपाल ने सीएम को फिर कहा फ्लोर टेस्ट के लिए, आज मंगलवार को होगा फ्लोर टेस्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखी चिट्ठी, अफसोस आपने आनाकानी की, मंगलवार को फ्लोर टेस्ट कराए नहीं तो माना जाएगा कि आपके पास बहुमत नहीं। राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा, मेरे द्वारा आपको दी गई समय अवधि में अपना बहुमत सिद्ध करने की बजाय आपने असमर्थता व्यक्त की, आनाकानी की, जिसका कोई भी औचित्य और आधार नहीं है। आपने फ्लोर टेस्ट नहीं कराने के जो कारण दिए हैं वो आधारहीन और अर्थहीन है। मध्य प्रदेश में मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, ना वे कांग्रेस के साथ हैं ना भाजपा के साथ, जो बनाएगा मैयर को जिला वे हैं उनके साथ। पल प्रतिपल बदल रहे मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण, सारी रात बदलती रही राजनीतिक फिजाएं, कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों में खलबली, एक एक विधायक पर सख्त निगरानी, विधायकों को इधर से उधर, उधर से इधर लेकर घूमते रहे दोनों दलों के जिम्मेदार, विधायकों को नहीं करने दी जा रही है किसी से बातचीत। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा, दिल्ली कोटा इंदौर जाने की जरूरत नहीं, अब स्कूल की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी। IIT, JEE, नीट, CPT, CLAT, NTSC, NDA सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाएं, बच्चों का सर्वांगीण विकास, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग AC हॉस्टल। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरा रोड, चौराहा, रीवा। संपर्क करें 7024892222 पर। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लेकर MP सहित कई राज्यों के दिग्गज मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण में बैठाने में लगे। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाला मोर्चा, सारी रात चली कवायद। कोरोना का कहर जारी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की भस्म आरती में भक्तों की नहीं होगी एंट्री। 31 मार्च तक VIP और आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF कैंप के पास नक्सलियों ने किया हमला, जवाबी कार्रवाई में भागे नक्सली। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे परिजन, गृह विभाग ने 31 मार्च तक लगाई रोक, संक्रमण से बचने के लिए गृह विभाग ने लिया निर्णय। कोरोना वायरस के चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित, हुआ हंगामा, विरोध में धरने पर बैठा विपक्ष, कहा इतिहास का काला दिन। कोरोना से बचाव के लिए राज्य आपदा निधि से दी जाएगी राशि, प्रदेश में खुलेंगे और भी टेस्टिंग सेंटर। RBI ने दिलाया भरोसा, यस बैंक के पास पर्याप्त नकदी, राज्य सरकारें वहां से पैसा ना निकालें, बुधवार से प्रतिबंध भी हट जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ का LTRO लगाएगी RBI। निर्भया मामले में दोषी पवन, अक्षय और विनय फांसी पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत गए, 20 मार्च को होना है सजाए मौत पर अमल, खत्म हो गए सारे विकल्प। राज्यसभा चुनाव के चलते गुजरात के 37 कांग्रेस विधायक राजस्थान में, अहमदाबाद से 22 और विधायक जयपुर पहुंचे। 158 देशों में कोरोना का संक्रमण, 6,526 की मौत, अमेरिका ने कहा नेशनल लॉकडाउन नहीं होगा, श्रीलंका में कोरोना वायरस के लक्षण छुपाने पर 6 महीने की जेल। और गुड मॉर्निंग टीवी के खास प्रोग्राम सुबह सवेरे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।